लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम फिर पीपीटी को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर 12 की बात करने वाले हैं, तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा ऑर्डर 12 पर। देखिए सभी को स्क्रीन भी शेयर हो रही है। यहाँ पर एडमिशन की बात की गई है, स्वीकृतियों की बात की गई है, और तो आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर 12 स्वीकृतियां। चलिए जरा इस पर हम ध्यान देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इसका शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। केवल 9 रूल्स इसमें दिए गए हैं एडमिशन के बारे में, यानी कि स्वीकृतियों के बारे में, तो एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में। ऑर्डर 12 और रूल नंबर फर्स्ट में एक बार नजर डालते हैं। मामले की स्वीकृति की सूचना के बारे में रूल नंबर फर्स्ट में प्रोविजन किए गए हैं। रूल नंबर 2 में दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना की बात की गई है। 2A में यदि दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना की शामिल के पश्चात उससे इनकार नहीं किया जाता तो उन्हें स्वीकृति समझा जाना। रूल नंबर 3 में सूचना का प्रारूप। रूल नंबर 3A में स्वीकृति के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति। रूल नंबर 4 में तथ्यों को स्वीकृत करने की सूचना। रूल नंबर 5 में स्वीकृतियां का प्रारूप, और 6 में स्वीकृति पर निर्णय, और इसके बाद में रूल नंबर 7 पर हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र। रूल नंबर 8 में दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना। रूल नंबर 9 में खर्चों की बात की गई। तो केवल हम यहाँ पे इतने पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नजर डालते हैं रूल नंबर 10 पर, उसको डिटेल में देखेंगे। मामले की स्वीकृति की सूचना। बाद का कोई भी पक्षकार अपने लिखित अभिवचन द्वारा, जो बाद का कोई भी पक्षकार हो, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, और कैसे, लिखित अभिवचन के द्वारा, अन्यथा लिखित रूप में सूचना दे सकेगा कि वह किसी अन्य पक्षकार के पूरे मामले की या उसके किसी भाग की सत्यता को स्वीकार करता है। तो देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे कोई पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 दोनों, अब यहाँ देखिए पार्टी नंबर 1 ने ये मान के चलते हैं हम वादी यानी कि प्लांटिस की बात कर रहे हैं, और ये डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं इनकी प्रतिवादी की। अब इसमें होता क्या है, वादी ने किसी मान लीजिए 5 क्वेश्चन पर, जो फैक्टर इशू है ना वो 5 यहाँ पर बनाए गए हैं, और 5 पॉइंट पर उसने कोई केस रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, 3 नंबर, 4 एंड 5। तो इसमें से अगर जो प्रतिवादी है, चाहे इनमें से कोई भी वादी या प्रतिवादी, दोनों में से दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो प्रतिवादी है अगर चाहे तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वो एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी 2 को डिनाई कर सकता है, ये इसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो जितना वो स्वीकार कर लेता है सत्यता के आधार पर, उसके बाद आगे का मैटर आगे कंटिन्यू होगा। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। और अगर सभी के सभी स्वीकार कर लेता है तो तुरंत एक दिन में जजमेंट भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, एनी पार्टी टू सूट मे गिव नोटिस बाय हिज प्लीडिंग और अदरवाइज इन राइटिंग दैट ही एडमिट द ट्रुथ ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द केस ऑफ एनी अदर पार्टी। जो अदर पार्टी ने दिया हो उसका कुछ हिस्सा अगर वो एक्सेप्ट करता है सही के आधार पे, या पूरी जो पॉइंट्स उनको एक्सेप्ट करता है, तो वो कैसे यहाँ पे देगा, देखिए जरा। एनी पार्टी टू सूट मे गिव नोटिस, कैसे, बाय हिज प्लीडिंग और अदरवाइज इन राइटिंग। तो दो वे बताएगा यहाँ पे, या तो वो प्लीडिंग करके बता सकता है या वो राइटिंग में दे सकता है, तो इन दोनों में से किसी में भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना, जो दस्तावेज हैं उनकी स्वीकृति के लिए इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, जिनके पास बैरेट है अपना, थोड़ा सा बैरेट को देखिएगा कहीं पर ये असंगति इसमें दिखे तो बताइएगा प्लीज। देखिए दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी दस्तावेज को सभी न्याय संगत अपवादों को छोड़कर सूचना की तामली की तारीख से, क्या कह रहे हैं, किसी दस्तावेज को सभी न्याय संगत अपवादों को छोड़कर सूचना की तामील की तारीख से 7 दिन के भीतर स्वीकार कर ले,
कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। अपने डायरेक्ट में जरा चेक कीजिए कि इसमें भी 7 डेज ही है। और ऐसी सूचना के पश्चात स्वीकृत करने से इनकार या उपेक्षा करने की दशा में कहा जा रहा है कि और ऐसी सूचना के पश्चात स्वीकृत करने से इनकार या उपेक्षा की दशा में जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, किसी भी ऐसी दस्तावेज को साबित करने के खर्च ऐसी उपेक्षा या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे, चाहे बाद का परिणाम कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और जब तक कि ऐसी सूचना नहीं दे दी गई हो कि किसी दस्तावेज को साबित करने का कोई भी खर्च केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसी सूचना ना देना न्यायालय की राय में व्यय की बचत है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए वहां नहीं दी जाएगी जहां पर न्यायालय को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन देना आवश्यक नहीं है और यहाँ पर जो खर्चे हैं उनको रोकना है। तो उस कंडीशन में देखिए अब इनको पूरा एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए और फिर इसको समझिए। पर देखिए क्या कह रहे हैं, दोनों पक्षकार में से कोई भी, तो दो पक्षकार हैं पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2। अब क्या कहा, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपेक्षा कर सकेगा, ये उम्मीद लगा सकता है या अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी दस्तावेज को सभी न्यायसंगत अपवादों को छोड़कर, जो न्यायसंगत अपवाद हैं उनको छोड़ दीजिए, सूचना की तामील की तारीख से, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी तामील की तारीख से 7 दिन के भीतर स्वीकार कर ले। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। अब अगर यहां ध्यान दीजिए, ऐसी सूचना के पश्चात स्वीकृति करने से इनकार या उपेक्षा करने की दशा में, या तो स्वीकृति से वो इनकार करेगा या उसकी उपेक्षा भी करता है, मान लो कोई जवाब भी नहीं देता है, तो जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, मान लो कोई न्यायालय इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, तो किसी भी ऐसे दस्तावेज को साबित करने के जो खर्च है, कोई भी दस्तावेज उसको साबित करने का जो खर्चा है, और या ऐसी कोई उपेक्षा या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसने डिफॉल्ट किया है वही व्यक्ति उनका खर्चे देगा, चाहे बाद का परिणाम कुछ भी हो, चाहे बाद में वो हार गया हो जीत गया हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो इनकार किया गया है या उपेक्षा की गई है, तो उन दोनों ही दशाओं में खर्चा कौन देगा? जिस व्यक्ति ने इनकार किया है या उपेक्षा किया, दोनों पक्षकारों की बात करें, जैसे पार्टी नंबर 1 या पार्टी नंबर 2। तो दोनों पक्षकारों में से अगर कोई दस्तावेजों की स्वीकृति, कोई भी जहां इस पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, तो बोलते कि यह क्या स्वीकार है, तो जब डॉक्यूमेंट यहाँ पेश किए गए हैं तो उनके बारे में जो भी जवाब दावा पेश किया जा रहा है, या वो इनकार कर देता है या वो उपेक्षा कर देता है और जवाब ही नहीं देता है, तो यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति उपेक्षा करेगा, जो व्यक्ति इनकार करेगा, खर्चा उसको ही देना होगा। अगला जरा ध्यान दीजिए, हाँ, या फिर कोर्ट जैसा आदेश करे, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लाइन पर नजर डालिए, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, अगर न्यायालय ने ऐसा निर्देश कर दिया कि खर्चा कौन देगा, डिसाइड कर देगा, तो फिर खर्चा उस पार्टी को ही देना पड़ेगा, चाहे वो पक्षकार नंबर 1 हो चाहे पक्षकार नंबर 2 हो। और जहां न्यायालय ने निर्देश नहीं किया है तो कहा गया वहां खर्चा कौन देगा, तो सीधी सी बात है, तो कहा गया कि ऐसी दस्तावेज को साबित करने के खर्च ऐसी उपेक्षा या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे। इतना क्लियर है गाइस सभी को? जल्दी से बताओ, आवाज नहीं आ रही आपसे? सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ, इसको दोबारा से समझाते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर आगे पूरा कंटिन्यू करते हैं। और जब तक कि ऐसी सूचना नहीं दे दी गई हो कि किसी दस्तावेज को साबित करने का कोई भी खर्च केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसी सूचना ना देना व्यय की राय में व्यय की बचत है। फिर से समझ लीजिए जिन लोगों को नहीं क्लियर हुआ, चलो पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट है उनको स्वीकृत करने के लिए, देखिए क्या करें, आइदर पार्टी मे कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट विद इन 7 डेज। कितने दिन में? 7 डेज में, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अगर कोई नोटिस उसे भेजा गया किसी भी पार्टी को, चाहे पक्षकार नंबर 1 हो या पक्षकार नंबर 2 हो, पार्टी नंबर 1 या पार्टी नंबर 2, दोनों में से कोई भी, अब कहा गया कि
अगर वो डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करने की बात आती है, यानी कि उसके लिए स्वीकृत करने की बात आती है, तो कितने दिन में कर लेगा वो? 7 डेज में उसे कर देना चाहिए। एनी डॉक्यूमेंट आपका क्या, सेविंग ऑल एक्सेप्शन एंड इन केस ऑफ रिफ्यूज और नेगलेक्ट टू एडमिट आफ्टर सच नोटिस द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टी सो नेगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। जो पक्षकार डॉक्यूमेंट को एडमिट करने से यानी स्वीकृत करने से इनकार करता है, नेगलेक्ट करता है या उसे रिफ्यूज करता है, तो खर्चा भी वही देगा जो नेगलेक्ट करेगा, जो रिफ्यूज करेगा। ये सीधी सीधी सी बात है, जो डिफॉल्ट करेगा उसको पेमेंट करना होगा उसके खर्चे का। अब देखिए, व्हाट एवर द रिजल्ट ऑफ द सूट में भी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्टेड, या तो फिर कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दें कि भाई इसके खर्चे कौन देगा, तब तो उस व्यक्ति को देना होगा। और जहां पर कोर्ट साइलेंट रहता है खर्चों के बारे में, कुछ नहीं कहता है, एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी डॉक्यूमेंट शैल बी अलाउड अनलेस सच नोटिस इज गिवन एक्सेप्ट वेयर द ओमिशन टू गिव द नोटिस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज सेविंग ऑफ एक्सपेंस। हिंदी में सबसे देख लीजिए, दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना, कार्य कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपेक्षा कर सकेगा। तो यहाँ पे आप चार्ट बनाते चलिए, पार्टी नंबर फर्स्ट और पार्टी नंबर टू। अब यहाँ कहा गया कि यह तो पार्टी नंबर फर्स्ट या पार्टी नंबर टू जो है एक दूसरे से ये अपेक्षा कर सके। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो इसका उत्तर इसको देना होगा, देते हैं जनरली। चलिए कहा नाम है बताइए, सिविल कोर्ट में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आप एक चीज देखेंगे कि अगर पक्षकार नंबर एक ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उससे रिलेटेड कोई भी दस्तावेज दिए गए हैं या कोई भी एविडेंस डॉक्यूमेंट दिया गया है यहाँ पर, तो दूसरे को या तो वो डिनाई करे या उसे एक्सेप्ट कर ले, हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट सही है ऐसा कर ले, या तो वो मना कर दे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो इन केस में आप क्या देखिए, तो किसी दस्तावेज को सभी न्याय संगत अपवादों को छोड़कर, जो ऐसे कोई अपवाद है उनको छोड़ करके, तो कितने दिन में करना चाहिए? सूचना की तामील की तारीख से 7 दिन के भीतर स्वीकार कर ले, या तो वो 7 दिन में स्वीकार कर ले, और नहीं करे जिस दिन ये सबमिट किया गया तो 7 डेज का जो टाइम दिया गया है उन 7 डेज में उसे वो एक्सेप्ट कर ले या फिर उसे डिनाई करे, और ऐसी सूचना के पश्चात स्वीकृत करने से इनकार या उपेक्षा करने की दिशा में, या मान लो स्वीकृत करने से इनकार या उपेक्षा की दशा में खर्चा कौन देगा। इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस लाइन को छोड़ दीजिए जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे। किसी भी दस्तावेज को साबित करने के खर्च ऐसी उपेक्षा या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे। जो पक्षकार यहां इनकार कर रहे हैं या फिर उपेक्षा कर रहा है, मतलब उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहा और ना ही उसके बारे में कोई जवाब दे रहा है, तो यहाँ पर खर्चा उसके द्वारा दिया जाएगा, जो नोटिस का खर्चा था वो, चाहे बाद का परिणाम कुछ भी हो। और जब तक कि ऐसी सूचना नहीं दे दी गई हो कि किसी दस्तावेज को साबित करने का कोई भी खर्च केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा, मान लो ये इंफॉर्मेशन दी जाती कि कोई भी दस्तावेज उसे साबित करने का जो खर्च आता है वो कौन देगा, कब? जब ऐसी सूचना ना देना न्यायालय की राय में व्यय की बचत है। तो यहाँ पर खर्च की अगर न्यायालय कोई बात नहीं करता तो यहाँ पर व्यय की बचत के लिए न्यायालय ऐसा कर सकता है। दूसरा, अगर कोर्ट ये बोलता है कि कोर्ट ऐसा निर्देश दे दे किसी भी केस में कि जो खर्चे हैं वो कौन सा पक्षकार देगा, नोटिस के खर्चे कौन से पक्षकार देंगे, तो यहाँ पर उस पक्षकार के द्वारा उसे पेमेंट करना पड़ेगा। जहां पर कोर्ट साइलेंट रहता है खर्चों की कोई बात नहीं कर रहा है, वहां नोटिस के खर्चे की बात करेंगे तो कौन देगा? यहाँ पे तो कहा गया कि जो व्यक्ति उसकी उपेक्षा करेगा वो उसी व्यक्ति से उसका खर्चा दिया जाए। मैडम क्लियर हुआ क्या इतना? आप एक चीज और समझ सकते हैं।
आपने पढ़ा होगा निर्णीत ऋणी, याद आया ये क्या होता है? सुना है? जजमेंट यस सर, डेब्टर, बेटा ये कौन होता है भाई? जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया गया हो, पितृ पारित पहले हुई है। से खर्चे भी किससे वसूलते हैं? इसी से ना, यस इसी, हाँ, वही कंसेप्ट ये यहाँ पर भी दे रहे हैं कि अगर देखिए जो व्यक्ति को नोटिस भेजा गया, या तो वो स्वीकार कर ले कि भाई ठीक है, अगर वो उसे इनकार करता है, उपेक्षा कर देता है, तो उस कंडीशन में उसका जो खर्चा होगा वो किससे वसूले? स्वाभाविक है इसके अगेंस्ट में ही जाएगा केस। अगर इसके अगेंस्ट में जा रहा हो, या केस मान लो अगेंस्ट में ना भी जाए, तो भी खर्चा किससे लेंगे? नोटिस का खर्चा वही जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भेजे जाते हैं, डाक खर्च वगैरह, उससे लेना होगा। नॉर्मल होता तो उनसे ही वसूले, पर ये छोटे छोटे खर्चे बहुत हो जाते हैं। चलिए 2A में जरा ध्यान दीजिएगा। यदि दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना की तामील के पश्चात उससे इनकार नहीं किया जाता, तो उन्हें स्वीकृत समझा जाना। हाँ, इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या करें कि यदि दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना की तामील के पश्चात, जहां स्वीकृति की तामील करा दी गई है कि भाई इनको स्वीकृति देना है आपको, और तामील के पश्चात उनसे इनकार नहीं किया जाता, तो उन्हें स्वीकृत समझा जाएगा। और तामील हो गई और उसके बाद कोई व्यक्ति उससे अगर इनकार नहीं करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये स्वीकृत हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। रूल नंबर 2, सब रूल 2A पर जरा ध्यान दीजिएगा। यदि दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना की तामील के पश्चात, तो सूचना की तामील की गई और फिर उनसे इनकार नहीं किया जाता, तो उन्हें क्या मान लिया जाएगा कि ये स्वीकृत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहां पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कोर्ट में और आप मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, तो वहां मान लिया जाता है कि आप ही कि ये स्वीकृति है या आप गलत हैं, इसी वजह से शांत हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मौन का प्रभाव क्या होगा, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। देखिए जरा यहाँ पे सब रूल नंबर यहाँ पर फर्स्ट पर एक नजर डालिए। ऐसी हर दस्तावेज जिसको स्वीकार करने की मांग पक्षकार से की जाती है, कोई भी दस्तावेज है और उसे स्वीकार करने के लिए पक्षकार से मांग की जाती है, तो उस पक्षकार द्वारा अभिवचन में या दस्तावेजों की स्वीकृति की सूचना के अपने उत्तर में विनिर्दिष्टता या आवश्यक विवक्षा से प्रतीक्षा नहीं की जाती है, या उसको स्वीकार ना किए जाने का कथन नहीं किया जाता है, सिवाय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो निर्योक्ताधीन है, तो वहां क्या माना जाएगा कि स्वीकृत समझी जाएगी। देखिए यहाँ इस शब्द का मतलब देखिए, यहाँ तरीके कुछ बताए गए, तो जरा ध्यान दीजिए। ऐसी हर दस्तावेज जिसको स्वीकार करने की मांग पक्षकार से की जाती है, भाई इसे आप स्वीकार करिए डिनाई करिए, और उस पक्षकार द्वारा अभिवचन में या दस्तावेजों की स्वीकृति की सूचना के अपने उत्तर में या तो विनिर्दिष्टता या आवश्यक विवक्षा से प्रतीक्षा नहीं की जाती है, तो या तो वो विनिर्दिष्ट तरीके से उसको मना कर दे कि नहीं, डिनाई कर दे कि मुझे स्वीकार नहीं है, ऐसे क्लियर लिख के दे दे, या उसको स्वीकार ना किए जाने का कथन नहीं करता है या नहीं किया जाता है, सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो निर्योक्ताधीन है। अगर कोई मान लो ऐसा व्यक्ति है जो निर्योक्ताधीन है, जो जवाब दे ही नहीं सकता है, उसको छोड़ करके बाकी कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने स्वीकृत कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा परंतु पर एक नजर डालिए। परंतु न्यायालय स्वयं विवेकानुसार और लिखवत किए जाने वाले कारणों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि इस प्रकार स्वीकृत कोई दस्तावेज ऐसी स्वीकृति से भिन्न रूप से साबित की जाए। अगर न्यायालय को लगता है या स्वाभिविकानुसार उसे लगता है कि जो ऐसे कारणों को लिखेंगे भी और स्वीकृत करने के लिए कोई दूसरे तरीके के रूप में भी कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से उसे साबित किया जाए, तो और एविडेंस की भी मांग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? न्यायालय। तो देखिए यहाँ पर लिखाएंगे परंतु न्यायालय स्वाभिविकानुसार और लिखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि इस प्रकार स्वीकृत कोई दस्तावेज ऐसी स्वीकृति से भिन्न रूप से साबित की जाए, जो स्वीकृति है उसके अदरवाइज जाकर के दूसरे रूपों से साबित की जाए। दूसरा यहाँ सब क्लोज 2 पर एक नजर और डालिए। देखिए
जहाँ पक्षकार दस्तावेजों की स्वीकृति की सूचना की तामील अपने पर किए जाने के पश्चात किसी दस्तावेज को स्वीकार करने में अयुक्त रूप से उपेक्षा करता है या इनकार करता है, वहां न्यायालय उसे दूसरे पक्षकार को प्रतिकर के रूप में खर्चा देने का निर्देश दे सकेगा। देखिए क्या कहा है यहाँ पर कि जहां पक्षकार दस्तावेजों की स्वीकृति की सूचना की तामील अपने पर किए जाने के पश्चात तामील हो गई, उसके बाद किसी दस्तावेज को स्वीकार करने में अयुक्त रूप से अगर उपेक्षा करता है या इनकार करता है, बोले नहीं मुझे उपेक्षा कर दे, उसने मना कर दिया, नहीं मुझे कोई भी यहाँ पर दस्तावेज को स्वीकार के बारे में कोई भी वो नहीं करना है, तब यहाँ पर क्या होगा, वहां न्यायालय उसे दूसरे पक्षकार को प्रतिकर के रूप में खर्चा देने का निर्देश दे सकेगा, जैसे कि आपने यहाँ पर जस्ट अभी रूल नंबर 2 में पढ़ा हुआ था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि अगर न्यायालय को लग रहा है कि ये व्यक्ति जिससे स्वीकार करने की मांग की गई है, जैसे ऐसी हर दस्तावेज जिसको स्वीकार करने की मांग पक्षकार से की जाती है, इसी सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या करता है, कोई उपयुक्त उसके पास कारण नहीं है तो उपेक्षा करता है, इनकार करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो प्रतिकर का जो खर्चा है वो न्यायालय निर्देश दे सकता है कि दूसरे पक्षकार को दिया जाए जिसने इसकी मांग की थी। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए जरा रूल नंबर 2A पर जरा नजर डालते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट। यहां पर सब रूल नंबर 1 पर एक नजर डालिए, देखिए क्या कहा गया, एवरी डॉक्यूमेंट विच अ पार्टी इज कॉल अपॉन टू एडमिट, कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसे कोई पक्षकार जो साबित करने की मांग की जाती है, इफ नॉट डिनाय स्पेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन और स्टेट टू बी नॉट एडमिटेड इन द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टी और इन हिज रिप्लाई टू द नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर अ डिसेबिलिटी। ऐसे पर्सन को छोड़कर जो डिसेबिलिटी में है, बाकी अगर कोई व्यक्ति ना तो उसे डिनाई करता है ना ही उसके बारे में उसको एडमिट करता है, तो भी यहां मान लिया जाएगा कि उसने एडमिट कर लिया। प्रोवाइडेड में दैट में जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रीजन को अभिलेख पर लेते हुए रिकॉर्ड करते लिखते हुए, रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट सो एडमिट टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। जो उसने स्वीकृतियां की हैं उनके अदरवाइज भी किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं और उनको प्रूफ करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसके लिए कोर्ट आदेश दे सकता है यहाँ पर। चलिए सब रूल नंबर 2 पर जरा एक नजर डालिए यहाँ पर। Where a party unreasonably neglects or refuses to admit a document, जहां पर कोई पार्टी उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उसमें नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है, तो आफ्टर द सर्विस ऑन हिम ऑफ द नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट द कोर्ट में डायरेक्ट टू पे कॉस्ट ऑफ द अदर पार्टी बाय वे ऑफ कंपनसेशन। उसे प्रतिकर के रूप में खर्चे दिलाने की बात की जा सकती है, डायरेक्ट कर सकता है, कौन कर सकता है यहाँ पर, कोर्ट। रूल नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं, जहां पर क्लियर ना हो वहां थोड़ा सा बता दीजिएगा प्लीज, आप लोग वॉइस आ रही है आप लोगों को, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। यस सर। चलिए देखिए रूल नंबर 3 पर एक बार नजर डालते हैं दोबारा से, वॉइस क्लियर है गाइस? हेलो। यस सर क्लियर है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट शैल बी इन फॉर्म नंबर 9 इन अपेंडिक्स सी
विद सच वेरिएशन एज सर्कमस्टेंसेस में रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 9 की बात कर रहे हैं और जो अपेंडिक्स सी में जो फॉर्मेट दिया गया उसको यूज करेंगे और उसमें चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। रूल नंबर 3A पर जरा ध्यान दीजिएगा, आवर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन, जितनी भी स्वीकृतियां हैं उनको अभिलेख पर लेना, उनको लिख करके रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये कोर्ट के अंदर किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लाइन पर एक बार दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट नो नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट हैज बीन गिवन अंडर रूल 2, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर इट of its own motion call upon any party to admit any document and shall in such a case record whether the party admits or refuse or neglects to admit such documents। जब ध्यान दीजिएगा जो हिंदी मीडियम के वो भी ध्यान दीजिए, स्वीकृति के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति, दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए सूचना नियम 2 के अधीन न दी जाने पर भी न्यायालय अपने समक्ष वाली कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में स्वयं अपनी प्रेरणा से किसी भी पक्षकार से कोई दस्तावेज स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में यह अभिलेखन करेगा कि क्या पक्षकार ऐसी दस्तावेज को स्वीकार करता है या स्वीकार करने से इनकार करता है या स्वीकार करने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, भले ही नोटिस ना दिया गया हो डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने के लिए, स्वीकृति के लिए, फिर भी अगर कोई पक्षकार उपस्थित हो जाता है और वो अपनी स्वप्रेरणा से डिनाई करना चाहता है या फिर उसको स्वीकार करना चाहता है तो न्यायालय ऐसी सभी स्वीकृतियों को अभिलेख पर लेकर के आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए इसी बात समझ में आ गई क्या? हेलो यस सर, इधर आप लोग भी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या है ना, केवल डॉक्यूमेंट के लिए ही नहीं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई केस भी रजिस्टर्ड किया जाता है और पार्टी कोर्ट में पहुंच जाती है, मान ली पार्टी नंबर 1 ने केस रजिस्टर्ड किया, पार्टी नंबर 2 को कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई, फिर भी कोर्ट में पार्टी नंबर 2 उपस्थित हो जाता है तो कोर्ट यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कार्रवाई करेंगे कि जैसे उनको नोटिस मिल गया हो, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो और पार्टी नंबर 2 के द्वारा किसी भी प्रक्रम पर अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, तथ्यों को स्वीकृत करने की सूचना रूल नंबर 4 पर। तो देखिए यहाँ पे क्या करें कि कोई भी पक्षकार किसी भी अन्य पक्षकार से सुनवाई के लिए नियत दिन से कम 9 दिन पहले किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना में वर्णित किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट तथ्य या तथ्यों को केवल बाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले और ऐसी सूचना की तामील के पश्चात 6 दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए उसको या उनको स्वीकृत करने से इनकार या उपेक्षा करने की दशा में तथ्य या तथ्यों को साबित करने का खर्चा जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, इस प्रकार उपेक्षा करने या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिया जाएगा चाहे बाद का परिणाम किसी हो। जैसे आपने रूल नंबर 2 में पढ़ा था खर्चे की बात की गई थी कि जो पक्षकार इनकार करेगा या उपेक्षा करेगा खर्चा उसी को देना होगा, वैसे ही सेम यहाँ पर भी बात करें कि अगर तथ्यों को स्वीकृत करने की सूचना दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई कोई तथ्यों को, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पक्षकार किसी भी अन्य पक्षकार से सुनवाई के लिए नियत दिन से कम 9 दिन पहले किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पर
दो क्वेश्चन है, तथ्यों की जो स्वीकृति है उसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 9 डेज का दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर दे रहे हैं कि 9 दिन पहले अगर इन्फॉर्मेशन देता है, और कैसे देगा, लिखित सूचना द्वारा, तब कि वह ऐसी सूचना में वर्णित किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट तथ्य या तथ्यों को केवल बाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले, और ऐसी सूचना की तामील के पश्चात 6 दिन के भीतर, तो देखिए 9 दिन पहले उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है और जिस दिन उसको तामील की गई उससे 6 दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए, मान लो 6 दिन में किसी कारणवश वो सबमिट नहीं कर पाया, कोई भी दस्तावेजों की स्वीकृति नहीं दे पाया, तथ्यों के बारे में कोई स्वीकृति नहीं दे पाता, तो ऐसी कंडीशन में अगर न्यायालय उसे कोई समय प्रोवाइड कर देता है तो, और उसको या उसको स्वीकृत करने से इनकार या उपेक्षा करने की दिशा में तथ्य या तथ्यों को साबित करने का जो भी खर्चा आएगा, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, जब तक कि न्यायालय ऐसा ना करे कि इसका खर्चा कौन देगा या उसे एग्जाम कर देता है, तो इस प्रकार उपेक्षा करने या करने वाले पक्षकार द्वारा दिया जाएगा, चाहे बाद का परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। तो जैसे आपने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि वहां डॉक्यूमेंट को स्वीकृत करने की बात की गई थी, यहाँ तथ्यों को स्वीकृत करने की बात की गई थी, मैटर लगभग सेम ही है। अब यहाँ पर क्या किया, केवल यहाँ देखिए टाइम पीरियड का जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 दिन पहले जिस समय वो चाह रहा है उसे 9 दिन पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और वो भी कैसे देनी होगी, रिटर्न में। अगली बात की गई यहाँ पर कि जिस दिन उसे तामील हो गई है उस दिन से 6 दिन के भीतर उसे इन्फॉर्मेशन जो है तथ्यों को सूचित करने के संबंधित यहाँ पे आपको जवाब देना होगा। अगर वो नहीं देता है या फिर लेट हो जाता है तो कोर्ट की परमिशन से उसे जो टाइम पीरियड दिया गया हो उस टाइम पीरियड में भी अगर वो देता तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो यहाँ पर इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो यहाँ पर उपेक्षा या इनकार करने वाले पक्षकार, दोनों पक्षकार में से कोई भी, तो यहाँ पर खर्चा उसको ही देना पड़ेगा जो इनकार करता है या उपेक्षा करता है। इतना क्लियर है गाइस, जल्दी से बताइए, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ध्यान दीजिए, परंतु मैं तो ऐसी सूचना के अनुसरण में की गई किसी भी स्वीकृति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस विशिष्ट बाद के प्रयोजनों के लिए की गई है, और वह ऐसी स्वीकृति नहीं समझी जाएगी जिसका उस पक्षकार के विरुद्ध किसी अन्य अवसर पर यह सूचना देने वाले पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्वीकृतियां एडमिट की गई, प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना। देखिए यहाँ पर जितने भी एडमिशन की गई है वो किसी पर्टिकुलर केस में, तो वो पर्टिकुलर केस तक ही सीमित रहेंगे, ना कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 5 पर एक नजर डालिए, स्वीकृतियों का प्रारूप कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा। तो देखिए वहां पर जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मेट था वो संख्यांक नंबर 9 में था, और यहाँ पर कितना है? देखो तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सूचना का जो प्रशिष्ट गा है, और उसमें जो फॉर्मेट नंबर 10 और तथ्यों की स्वीकृति प्रशिष्ट गा के प्रारूप संख्यांक 11 में ऐसे फेरफार के साथ होंगे जो परिस्थितियों से अपेक्षित होंगे। तो जो स्वीकृतियों का भी जैसे जो फॉर्मेट है वो भी कैसा है, 6 है, और चाहे तो सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो दो फॉर्मेट यहाँ दिए गए हैं, एक संख्यांक नंबर 10 और दूसरा संख्यांक नंबर 11। रूल नंबर 6 पर एक नजर डालिए, स्वीकृतियों पर निर्णय। रूल नंबर 6 सब रूल नंबर 1 में नजर डालते हैं, जहां अभी वचन में या अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं, वहां न्यायालय बाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे। देखिए जहां पर स्वीकृतियों की बात की गई है, अगर स्वस्दे ही ऐसा कर ले सभी पक्षकार, जो दूसरे पक्षकार किया गया, तो वहां जजमेंट तुरंत भी हो सकता है बिना किसी दूसरी स्वीकृतियों को ध्यान में वेट किए, वो डायरेक्ट यहाँ पे जजमेंट कर भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक बार कि
न्यायालय बाद के किसी प्रक्रम में मतलब किसी भी स्टेज पर जब केस चल रहा हो या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच या तो किसी पक्षकार ने आवेदन किया हो या कोर्ट ने स्वमोटो से कोई भी संज्ञान ले सकता है वो अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना। तो कोई जो प्रश्न है उसके अवधारण के बारे में कोई डिसाइड ना करे ना ही उसका वेट करते हुए वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे। कोर्ट को अगर लगता है कि इतना जजमेंट के लिए सफिशियंट है जितना उसने एडमिट किया हुआ तो डायरेक्ट जजमेंट भी कर सकते हैं या फिर कोई ऑर्डर भी दे सकते हैं। सब रूल नंबर टू पर एक नजर डालिए। जब कभी उपनियम एक कहाँ पड़ा हमने, ये अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, कोई निर्णय सबसे पहले निर्णय सुनाया जाएगा, इसके पश्चात उसकी डिक्री तैयार की जाती है और डिक्री में जिस दिन का यह निर्णय सुनाया गया था उस निर्णय की तारीख का विवरण भी वहां पर दिया जाएगा। आप पढ़ रहे थे रूल नंबर 6, ये थोड़ा सा BIP है, इसको नजर डालिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि यार स्वीकृतियां कोई पक्षकार अगर सभी को एडमिट कर लेता है तो क्या हो सकता है। कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं आप, ऑर्डर नंबर 12 और रूल नंबर 6, और 6 में कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड दो यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर रूल, इनको आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 7 पर एक नजर डालिए, हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र। यदि दस्तावेजों या तथ्यों को स्वीकार करने की किसी सूचना के अनुसरण में की गई स्वीकृतियों के सम्यक हस्ताक्षर की बाबत साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है तो प्लीडर या उसके लिपिक या ऐसी स्वीकृतियों के बारे में शपथ पत्र पर्याप्त साक्ष्य होगा। देखिए जरा समझिए यहाँ पे क्या करेंगे, यदि दस्तावेजों या तथ्यों को स्वीकार करने की सूचना के अनुसरण में की गई स्वीकृतियों के सम्यक हस्ताक्षर की बाबत कोई दस्तावेजों के बारे में कोई फैक्ट्स के बारे में किसी सूचना के जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बारे में जो जवाब चाहा गया तो उसके सम्यक में कोई अगर हस्ताक्षर की बाबत कोई बात की जाती है तो साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है तो प्लीडर या उसके लिपिक या ऐसी स्वीकृतियों के बारे में शपथ पत्र पर्याप्त साक्ष्य होगा। तो इनके द्वारा कि ये हस्ताक्षर ठीक है कि नहीं, तो उनका कोई प्लीडर है कोई लिपिक है और इनके द्वारा अगर कोई एफिडेविट दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि उसके ये सिग्नेचर ओरिजिनल है। देखिए जितने भी जवाब देने हैं वो कैसे होंगे, रिटन में और एफिडेविट के थ्रू भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये की जाती है क्या ये सिग्नेचर उसी व्यक्ति के जिसने इसको एडमिट किया है तो उसके बारे में कौन उसे प्रूफ कर सकता है उनके प्लीडर के द्वारा कि हाँ ये सिग्नेचर उनके द्वारा किए गए या किसी लिपिक के द्वारा या ऐसी स्वीकृतियों का कोई अगर एफिडेविट दिया जाता तो ये मान्य हो जाएगा कि हाँ ये सिग्नेचर उसी व्यक्ति के हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 8 पर, दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना। अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की बात की जाए तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना परिचय विभाग के प्रारूप संख्या 12 में फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इसका फॉर्मेट कैसा दिया गया या संख्या नंबर सीरियल नंबर 12 पर, और पेश करने के लिए किसी सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी लीडर या उसके लिपिक का शपथ पत्र उससे पेश करने की सूचना की प्रति के सहित सभी दशाओं में सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी पर्याप्त साक्ष्य होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे इसको एक बार रिपीट करो तो समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा। देखो दस्तावेजों को पेश करने के लिए जो फॉर्मेट होगा वो कहाँ दिया गया है, परिशिष्ट गांव में और फॉर्मेट नंबर 12 में, और ऐसे फेरफार के साथ होगी यानी कि उसमें सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार, और फिर पेश करने के लिए किसी सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी कोई तामील की गई थी लीडर या उसके लिपिक का शपथ पत्र उसे पेश करने की सूचना के प्रति सहित सभी दशाओं में
सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी पर्याप्त साक्ष्य होगा। तो यहाँ पर देखिए लिपिक का या लीडर का जो शपथ पत्र है उतना यहाँ पर सफिशियंट मान लिया जा रहा है कि हाँ ये की तामील हो गई है। रूल नंबर 9 पर एक नजर डालिए। की बात कर रहे हैं, यदि स्वीकृति या पेश करने की सूचना ऐसी दस्तावेज को निर्दिष्ट करती है जो आवश्यक नहीं है तो उसके कारण हुए खर्चे ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा वहन की जाएंगे। क्या कह रहे हैं, यदि स्वीकृति या पेश करने की सूचना ऐसी दस्तावेजों को निर्दिष्ट करती है जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक ही अगर मांगे गए हैं तो उसके कारण हुए जो भी खर्चे हैं तो उस पक्षकार को देने होंगे जो सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जरा बताइए, किसी को समझ में ना आया हो प्लीज। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है?